हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली जी का एक चैनल। गाइस, यूट्यूब का तरफ से एक नया बड़ा अपडेट आने वाला है। यह अपडेट जो काफ़ी अच्छा, काफ़ी यूजफुल है हम सब के लिए जितना यूट्यूबर हैं। तो गाइस, क्या होता है कि हम अगर अपना वीडियो में गाना यूज़ करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है कि कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। मगर ये नया अपडेट आने के बाद जो है हम अपना वीडियो में गाना यूज़ करेंगे तो हमें कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो ये नया अपडेट कैसे काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा, इस वीडियो में हम आपको फुल प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से ये नया अपडेट काम करेगा और कब हमें मिलेगा। तो गाइज, अगर आप चैनल में नए हैं तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल में कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके का टिप्स एंड ट्रिक मिलता रहे। ये वाला चैनल में आपको हर तरीके का वीडियो मिलेगा, नया कंटेंट यहाँ पर ही हमेशा मिलते रहता है। तो गाइज, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो शेयर करिएगा। तो गाइज, करते हैं हम अपना वीडियो शुरू। आपको जो है YouTube स्टूडियो में जो है क्रिएटर म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें जैसे आप क्लिक करिएगा तो वहाँ एक नया लाइब्रेरी खुल जाएगा। वहाँ जो आपको एक पर एक गाना वहाँ मिलेगा। आप अपने हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से जो है गाना म्यूजिक को जो है सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर ही आपका जो लिखा हुआ रहेगा योर लाइब्रेरी, इसमें क्लिक करिएगा। इसमें क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर ही आपका गाना आ जाएगा। यहाँ पर ही जो गाना आ जाएगा, ये गाना का सामने जो प्राइस लिखा हुआ रहेगा, कौन गाने का कितना प्राइस है। और यहाँ पर ही आपको तीन ऑप्शन मिलेगा। एक ऑप्शन मिलेगा सेव करने का, एक ऑप्शन मिलेगा परचेज करने का, एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करने का। आपको जो करना है यहाँ से जो अपना लाइब्रेरी को मैनेज कर सकते हैं। आप जो है गाना परचेज करने के बाद जो है क्या होता है, ये गाना आपका परमानेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात होता है कि आपको चार ऑप्शन मिलेगा। चार ऑप्शन ये चीज़ का मिलेगा कि आप जो एक बार में पेमेंट करके वो वाला गाना को खरीद सकते हैं। वाला गाना खरीदने के बाद जो है वो गाना आप जो अपना वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है क्रिएटर को, जो मेन ऑनर है गाना का, उसको आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। उसका साथ आपका रेवेन्यू शेयर नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप जो उसको एक बार में पैसा दे के खरीदिएगा नहीं, तो क्या होगा, वो वाला गाना आप यूज़ करिएगा तो आपका जितना वो वाला गाना आप जिस वीडियो में लगाइएगा वो वीडियो का जितना रेवेन्यू आएगा, जितना पैसा आएगा, उसमें से आधा आपका पास जाएगा और आधा जो है वो गाना का ऑनर का पास जाएगा। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन है, आप एक बार में पेमेंट करके वो गाना को परचेज कर लीजिए या अपना वीडियो का रेवेन्यू गाने का ऑनर के साथ शेयर करिए। ये जो आपका हाथ में किस तरीके से करना है। तीसरा बात ये है कि आप अपना वीडियो में गाना कितना यूज़ करिएगा वो हिसाब से भी जो है गाने का ऑनर को पैसा मिलेगा। और चौथा बात ये है कि कुछ इस तरीके का गाना आपको वहाँ पर ही मिलेगा जिसको आप जो है रेवेन्यू शेयर करके भी नहीं ले सकते और ना पेमेंट दे के खरीद सकते हैं। वो गाना को अगर आप अपना वीडियो में यूज़ करिएगा तो उससे क्या होगा कि आपको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिल सकता है। कि वहाँ पर ही आपको चेक कर लेना अच्छा से है कि जो गाना आपको खरीद रहे हैं, रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं, सिर्फ वही गाना को आप अपना वीडियो में यूज़ करिएगा। यहाँ पर एक और बात है कि चैनल के हिसाब से भी जो है गाना का जो है प्राइस सेट होगा। अगर मान के चलिए कि आपका छोटा चैनल है तो छोटा चैनल वाले लोग कर लिए जो है गाना का प्राइस जो है कम रहेगा, और किसी का जो बड़ा चैनल है तो उसको जो है ज़्यादा पे करना पड़ेगा गाना परचेज करने के लिए। मान के चलिए कि आपका जो 5000 सब्सक्राइबर है तो आपको जो है कम पैसा देना पड़ेगा गाना परचेज करने के लिए, और किसी का जो 1 मिलियन, 10 लाख, 20 लाख सब्सक्राइबर है तो वो लोग को जो है ज़्यादा पैसा दे के गाना खरीदना पड़ेगा। तो ये जो है अच्छा बात है कि छोटा चैनल वाले लोग के लिए कम पैसा देना पड़ेगा गाना खरीदने के लिए और बड़ा चैनल वाले लोग के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये बात मुझे अच्छा लगा। पर एक और चीज़ है कि गाना अगर हमने खरीद लिया पैसा दे के तो वो गाना क्या परमानेंट हमारा हो गया है, वो गाने का मालिक हम नहीं होंगे। कि आप जिस ईमेल आईडी से अगर आप अपना गाना खरीदिएगा वही ईमेल आईडी का चैनल में आप यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एक ईमेल आईडी से गाना खरीदे और जो आप 3-4 ईमेल आईडी में का चैनल में यूज़ कर रहे तो वैसा नहीं होगा। तो जिस ईमेल आईडी से आप गाना खरीदिएगा वही ईमेल आईडी का चैनल में यूज़ कर सकते हैं। मान के चलिए कि अगर आप गाना खरीद लिए आज गाना खरीदने के बाद जो है $2-4 में आप गाना खरीद लिए और 2-4 दिन के बाद गाना का कीमत बढ़ गया, जो गाना का ऑनर है वो अपना गाना का जो है कीमत बढ़ा दी, $2-4 के गाने का कीमत जो है वो $10-20 कर दी, तो उससे क्या हमें फ़र्क पड़ेगा? तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम जो है $2 में गाना खरीदे हैं और 2 दिन के बाद जो वो गाने का कीमत $20 हो जाता है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा गाना जो वही $2 का रहेगा। ताकि वो जितना भी दाम बढ़ते रहे, जितना में हम खरीदे गाना हमारा गाने का कीमत उतना ही रहेगा, उतना ही में हम यूज़ करेंगे, हमें इस तरह पैसा और जो है नहीं देना पड़ेगा। और ये बात है कि अगर आप अपना वीडियो में कोई गाना यूज़ किए हैं वो गाने का वजह से आपका वीडियो में कॉपीराइट क्लेम मिला हुआ रहता है, वो गाने का वजह से आप अपना वीडियो से कुछ कमा नहीं सकते हैं। ये वाला अपडेट आने के बाद जो है वो वाला गाना जो आप वीडियो में यूज़ किए है उसका रेवेन्यू जो है आपका साथ शेयर हो जाएगा। पहले क्या होता था कि आप गाना अगर यूज़ किए अपना वीडियो में
तो वीडियो में कॉपीराइट क्लेम मिलने के बाद जो है पूरा वीडियो का रेवेन्यू पैसा जो है गाना का ऑनर को जाता था, मगर ये अपडेट आने के बाद जो है ये रेवेन्यू जो है आपका का शेयर हो जाएगा, आधा आपका पास जाएगा आधा गाना का ऑनर को पास जाएगा। तो इसका गाना जो आप जो डायरेक्ट खरीद भी सकते हैं, और ये गाना कैसे खरीदिएगा ये हम आपको बताते हैं। जैसे आप क्रेडिट म्यूजिक में जाइएगा वहाँ पर ही आपको गाना सामने में मिलेगा तो वहाँ पर ही देखिएगा प्राइस लिखा हुआ रहेगा गाना का, प्राइस में क्लिक करिएगा। प्राइस में क्लिक करने के बाद जो परचेस कर लीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। पे करने के बाद जो गाना जो है आपको योर लाइब्रेरी का परचेस ऑप्शन में दिखाई देगा, वहाँ से आप अपना गाना डाउनलोड करिए और किसी भी वीडियो में जो है यूज़ करिए। गाना यूज़ करने के बाद जो अगर आप वीडियो अपलोड करिएगा वहाँ पर ही आपको दिखेगा वीडियो एलिमेंट। वीडियो एलिमेंट में आपको जो है वहाँ पर ही एक ऑप्शन देगा यूट्यूब म्यूजिक लाइसेंस, तो वहाँ पर ही ऐड का ऑप्शन देगा, वहाँ पर ही आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप गाना पहले से खरीदे हुए तो वहाँ पर ही दिखाएगा, अगर आप गाना नहीं खरीदे तो वहाँ पर ही आपको बताएगा कि आप वहाँ से गाना खरीद लीजिए, तो वहाँ से आप जो परचेज कर सकते हैं गाना। तो गाइज ये वाला अपडेट आने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा हम सबको फ़ायदा होगा। पहले क्या होता था कि हम बॉलीवुड म्यूजिक यूज़ करने से पहले डरते थे कहीं हमें कॉपीराइट क्लेम नहीं मिल जाए, मगर अब क्या होगा कि हम पेमेंट करके रेवेन्यू शेयर करके हम बॉलीवुड म्यूजिक सॉन्ग गाना यूज़ कर सकते हैं, तो हमें कॉपीराइट क्लेम का कोई डर नहीं रहेगा, हमारा वीडियो को जो आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगा। मगर एक और बात है, ये वाला अपडेट वो सबको मिलेगा जिसका चैनल मोनेटाइज है, जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं है उसको ये वाला अपडेट नहीं मिलेगा। तो गाइज आप अपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए ताकि ये वाला अपडेट का फ़ायदा हम सब उठा सके। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल में कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइज ये वाला चैनल में नया कंटेंट हमेशा मिलते रहता है, तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो गाइज इसी में दो वीडियो आ रहा है उसको भी आप देख लीजिए। जब तक के लिए गाइज आप अपना ख्याल रखिए, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।